कमलनाथ सरकार के एक साल पूरे होने पर झाबुआ जिले में कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं झाबुआ विधायक ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर पेडलावद में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया, जोबट विधायक कलावती भूरिया, थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया सहित पेटलावद विधायक वाल सिंह मीणा एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर कई मुद्दों पर कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा की गई। इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मेरा मानना है कि यूरिया हमने पर्याप्त स्तर दी है, लेकिन ये सही है कि गत वर्ष से ढाई गुना हमने भंडारण करवा चुके हैं, वो लगातार मांग आ रही है। अभी भी हम कल भी और आज भी यूरिया आया है, वापस रेख आने वाली है, उसकी प्रतिबंध नया एरिया नया रकबा बढ़ा है, उससे पूरी आवश्यकता बहुत जल्दी वोट कर लिया गया, आगे रेख आने वाली है तो पूरी पूर्ति कर ली जाएगी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया भी मौजूद रहे, जिन्होंने यूरिया की किल्लत, रेल किराया में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार खाद देने में नाकामी साबित हो रही है, पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पेशल खाद की व्यवस्था की है और सभी जगह खाद आ रहा है सोसाइटी में, और कुछ 70% अपने सोसाइटी में जा रहा है और 30% अपने बाकी दुकानों पे मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तकनी और कमी में इतना अंतर है, आप देखें कि रेल किराया बढ़ा दिया, उसे सबसे ज़्यादा रेल से हमारे गरीब आदमी ही सफ़र करते हैं। पर डे 3.5 करोड़ लोग रेल यात्रा करते हैं देश में, पर आप उसे किराया बढ़ा के अब गरीबों की जेब से पैसा निकालने का काम मोदी जी ने किया। कुल मिलाकर कमलनाथ सरकार के एक साल पूरा होने पर कांग्रेस विधायक पूरे जोश में नजर आए और सरकार की मजबूती का आत्मविश्वास भी उनके चेहरे पर दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, पेटलावद।